हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका सतंदर आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार आज आप सबों के लिए लेकर आए हैं वायरिंग चैप्टर के नया टॉपिक विद्युत वायरिंग स्थापना के नियम, जिसके अंतर्गत आज हम लोगों को जानना है कि वायरिंग जब भी हम लोग करते हैं तो वायरिंग में किन किन बातों को हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। जब भी हम लोग वायरिंग करते हैं तो किसका वायरिंग करते हैं, किसी भवन या कार्यालय का। भवन का अगर हम वायरिंग कर रहे हैं यानी किसी घर का, किसी घर की वायरिंग अगर हमें करना हो तो इसके वायरिंग के उपरांत हमें किन किन चीजों पर ध्यान रखना चाहिए। अगर ऐसा हम नहीं करते हैं, बिना किसी चीज को सोचे विचारे अगर हम लोग वायरिंग कर देते हैं तो वो वायरिंग अच्छी नहीं होती है। इसलिए कहा जाता है कि वायरिंग का जो स्थापना होता है उसका कुछ नियम होता है और उसी नियम के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, वायरिंग को सजा कर देते हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो है कि वायरिंग किफायती होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, किफायती होनी चाहिए। दूसरा, टिकाऊपन होना चाहिए। तीसरा, दिखावट अच्छी होनी चाहिए यानी सुंदर होना चाहिए। चौथा, अग्नि से सुरक्षित। पांचवा, आयु। और छठा, सुरक्षित। और सातवा, सुविधाजनक। तो सबके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे कि किफायती का अर्थ क्या होता है। किफायती का अर्थ होता है कि जब हम लोग कहीं पर वायरिंग कर रहे होते हैं, जब हम लोग कहीं पर वायरिंग कर रहे होते हैं, या कार्यालय हो, भवन हो, या वर्कशॉप हो, या बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, कंपनी आदि हो, कहीं पर हो, वो अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हमने वायरिंग की और कल ही खराब हो जाए, वो थोड़ी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। और अगर ऐसा होता है तभी हम लोग उसको कहते हैं, किसी ने भी आप सुने होंगे कि आपकी वायरिंग को देखकर किसी ने भी बोल देता है कि नहीं, बहुत किफायती वायरिंग की है, बहुत ही अच्छी वायरिंग की है। तो बस हम लोगों को कैसा वायरिंग चाहिए, किफायती। और एक किफायती कर देने से अच्छा नहीं है, वायरिंग के साथ और बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। दूसरा क्या है, टिकाऊपन। अब वायरिंग तो आपने कर दी और वायरिंग करने के उपरांत अगर उसका लास्टिकता नहीं है कि साल भर भी नहीं चल रहा है, तो कोई भी घर में जब वायरिंग कराते हैं तो वो एक लंबे समय के लिए कराते हैं। ऐसा नहीं कि प्रत्येक साल दो साल में उनको वायरिंग चेंज करना पड़ जाए। तो जो भी हम लोग वायरिंग कर रहे हैं वो कैसा हो, टिकाऊपन। तो टिकाऊपन की दृष्टि से हम लोगों को क्या क्या देखना होगा कि जो हम घर में वायरिंग कर रहे हैं उससे चलने वाली सभी उपकरण उस वायरिंग से चल जाए। मतलब घर में हमारे जितने भी डिवाइस होते हैं, जो भी उपकरण होते हैं, उतना लोड करंट सहन कर पाए वो वायरिंग। ऐसा नहीं कि आप वायरिंग कर दिए 10 एम्पियर की और हमारे घर में लोड था 25 एम्पियर का, तो फिर वो वायरिंग किसी काम की नहीं। मतलब करंट वहन क्षमता उनका अव्वल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ताकि घर की सभी सामग्रियों को हम आसानी पूर्वक चला सके। तीसरा, दिखावट। आजकल अब तो फैशन आ गया है कि वायरिंग की भी तरह तरह की विधियों से हम लोग हर जगह, आप गए होंगे कार्यालय या कहीं पर घर में भी किसी फैक्ट्री आदि में, तो इतना गजब का आपको वायरिंग सिस्टम दिख जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलता है कि वायरिंग इसका किधर से हुआ है। केवल लाइटिंग या सीलिंग फैन आदि ये सब चीज़ दिखते हैं, डिवाइस सारी चीज़ें अंडरग्राउंड हो चुका है। मतलब सुंदरता तो अब होनी ही चाहिए, बाकी थोड़ा 19-20 चल भी जाएगा परंतु सुंदरता में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और अगर सुंदरता में कमी आई वायरिंग में तो फिर वायरिंग करने की क्या फर्क पड़ता है। आप एक तार को डायरेक्ट कैचर के माध्यम से भी तो ले जा सकते हैं, उसको भी वायरिंग ही कहते हैं। परंतु वायरिंग में क्या होना चाहिए, दिखावट होनी चाहिए, सुंदरता होनी चाहिए, क्योंकि आज सब चीज सुंदरता पर कायम होती है। इसलिए वायरिंग कैसा होना चाहिए, दिखावट में अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल ही सुंदर होनी चाहिए। अगला पॉइंट है अग्नि से सुरक्षित। अब हम लोग को वायरिंग इस प्रकार से करना चाहिए कि हम ये नहीं कहते हैं कि उसमें शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, लेकिन नगण्य हो, होने की संभावनाएं कम हो। अब वायरिंग अगर आप करते हैं, एक तार की ज्वाइंट दूसरे तार के ज्वाइंट के संपर्क में लाकर छोड़ देते हैं, तो शॉर्ट सर्किट की जो चांसेस होते हैं वो अधिक रह जाते हैं। इसलिए क्या करनी चाहिए कि हमेशा हम लोगों को ज्वाइंट को टेपिंग करना चाहिए और थोड़ी दूरी बना करके ज्वाइंट को छोड़ना चाहिए। साथ ही जो भी फेज है, हम फेज को हमेशा स्विच या और भी सुरक्षा उपकरणों से उसको क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं और सुरक्षित कर सकते हैं।
तभी तो होगा ना कि अग्नि से वो सुरक्षित होगा, मतलब शॉर्ट सर्किट का कुछ बचाव हो जाएगा। अन्यथा आप ऐसे अगर ट्री प्रणाली वायरिंग के बारे में अगर जानते हैं तो क्या होता है, कहीं पर भी ज्वाइंट लगा देते हैं, जैसे कि शादी विवाह फंक्शन आदि में ट्यूबलाइट जोड़ना होता है तो कहीं पर भी हम लोग क्या करते हैं, दो लाइन खींच लेते हैं, एक फेज का और एक न्यूट्रल का, और दोनों के बीच यहां भी एक लोड लगा दिए, यहां भी एक लोड लगा दिए, यहां भी एक लोड लगा दिए, इस प्रकार से हम लोगों को मतलब जिधर चाहिए हम लोड लगा देते हैं। इसमें कई बार क्या होते हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। तो ये वायरिंग है, ये भी इसको हम लोग ट्री प्रणाली वायरिंग कहते हैं, इसको डिटेल से और आगे हम लोग पढ़ेंगे, परंतु इस प्रकार से घर की वायरिंग नहीं की जाती है, इसको एक प्रकार से हम लोग अस्थायी वायरिंग कहते हैं। और अस्थायी वायरिंग में जो होता है वो अग्नि से सुरक्षित होना चाहिए, मतलब कुछ इस प्रकार से वायरिंग कीजिए ताकि उसमें शॉर्ट सर्किट के चांसेस कम हो। अगला है आयु, आयु बहुत लॉन्ग होनी चाहिए, अच्छी आयु होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आज हमने केसिंग लगा दिया और कुछ ही दिन के बाद उस पर वातावरण का प्रभाव पड़ गया। वातावरण का प्रभाव पड़ता है, सबके ऊपर पड़ता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भी चालक हमारे यहाँ बनते हैं, जो भी चालक का प्रयोग करते हैं हम लोग, और चालक पर जो एक आवरण चढ़े होते हैं कुछ चालक का, यानी पीवीसी रबड़ का, उसका भी एक टेम्परेचर के साथ तुलना की जाती है। कहा जाता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेंगे तो यह धीरे धीरे खराब हो जाते हैं, मतलब और चालक का क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। टेम्परेचर के बढ़ने के उपरांत क्या होता है, चालक का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो क्योंकि आपको भी पता है कि चालक का ऊपर जो, यानी पूरी तरह से अगर हम बोले तो तार को जो बनाया जाता है 20 डिग्री सेल्सियस के लिए तैयार किया गया है, लेकिन जब हमारा 20 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर अधिक होता है तो धीरे धीरे वही वायर क्या होने लगते हैं, कठोर होने लगते हैं, उसका ऊपर का जो आवरण होते हैं वो कठोर होने लगते हैं, फटने लगते हैं, और समय के साथ वो खराब हो जाते हैं। तो वो तो लाजमी है, होना ही है, परंतु कुछ क्या होता है कि हमारे लापरवाही के कारण से हो जाते हैं, कि वायरिंग अगर हमने सुरक्षित नहीं किया है, और जैसे कि आपको बताए थे कि सर्विस लाइन होती है, सर्विस लाइन मतलब पोल कुट्टा से घर तक लाने के लिए हम लोग डायरेक्ट तार को छोड़ देते हैं, ऐसे उसके ऊपर कोई पीवीसी का हम लोग पाइप वगैरह नहीं डालते हैं, कंड्यूट पाइप नहीं डालते हैं, जिसके उपरांत क्या होते हैं, वो तार आसानी से खराब हो जाते हैं और कम समय में ही वो तार रिपेयर यानी बदलने के कगार पे आ जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें वहां पर भी क्या करना चाहिए, पीवीसी का पाइप डाल देना चाहिए ताकि टेम्परेचर को कुछ हद तक रोका जा सके और मतलब उसकी आयु को बढ़ाया जा सके। अगला है सुरक्षित। अगर सुरक्षित का हम बात कर लें तो सुरक्षा का अर्थ होता है कि जब हम लोग वायरिंग करके कंप्लीट आ जाते हैं और फिर से कभी वहां पर नए कारीगर चले जाते हैं, वायरिंग करने के उपरांत हमारे आने के बाद, जरूरी नहीं है कि जिस घर में, मकान में या कार्यालय में हमने वायरिंग की है वहां पुनः हमें बुलाया जाएगा, तो अगर वहां कभी फिर से परेशानी होती है और दूसरे कारीगर को बुलाया जाता है और आप जैसे तैसे वायरिंग करके आ गए हैं, अगर सुरक्षा पूर्ण नहीं किए हैं, जैसे फेज न्यूट्रल को प्रदर्शित नहीं किए हैं रंग कलर कोड से या उसके सिंबल से, जैसे कि होता है कई बार घर में हम लोग वायरिंग करते हैं और मालिक क्या किया करते हैं कि वो करते क्या है, एक ही कलर के तार दे देते हैं कि फेज ले जाइए इसी से, तो वहां पर हम लोगों की प्राथमिकता होती है कि हम लोग उसको प्रदर्शित करते हैं RYB से कि ये फेज है, अगर इन तीनों का तार का प्रयोग किया गया है तो फेज है, अगर तीन कलर का तार नहीं होता है तो एक ही तार में, एक ही कलर के तार में हम लोग कुछ इस प्रकार से सिंबल डाल देते हैं। ये होता है सुरक्षा के अंतर्गत कि आगे जो कारीगर यहाँ पर आएंगे उसको कार्य करने में कोई परेशानी नहीं हो, उसे शॉर्ट सर्किट की कोई झंझट नहीं हो, क्योंकि उन्हें पता हो जाएगा कि ये फेज है और ये न्यूट्रल है। इस प्रकार से कहा जाता है कि सुरक्षा की दृष्टि से ही हम लोगों को वायरिंग प्रणाली को संपन्न करना चाहिए, अन्यथा अगर सुरक्षा नहीं तो वायरिंग करने की कोई फायदा नहीं, फिर तो कोई भी कारीगर, फिर हम लोग क्यों ढूंढेंगे कि लाइसेंसी ठेकेदार होना चाहिए तभी हम वायरिंग कराएंगे, तब तो कोई आम आदमी भी वायरिंग कर सकता है। एक लाइसेंसी ठेकेदार, एक रजिस्टर्ड ठेकेदार के थ्रू हम लोग इसलिए वायरिंग कराते हैं ताकि उनके अंतर्गत ये सारी चीजें हमें मिल पाए। अगला है सुविधाजनक, यानी सुविधाजनक की अगर हम बात करें तो वायरिंग की प्रणाली कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए जिससे जब चाहे हम और भी डिवाइस को जोड़ सके, उसमें जो बदलाव चाहे
हम कर सके। ऐसा नहीं कि एक वायर को अगर हमें पास करना है तो इसके लिए पूरा वायरिंग ही बर्बाद हो गई और पूरी तरह से फिर से नया वायरिंग करना पड़े। ऐसा अगर वायरिंग है तो फिर वायरिंग करने का कोई मतलब नहीं हो जाता है, कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए हम लोगों को वायरिंग किस प्रकार से करनी चाहिए ताकि उसमें कभी भी समय के साथ अगर कुछ बदलाव हो, उसमें कुछ बढ़ाव करना हो तो हम आसानी पूर्वक कर सकते हैं, या उसमें से कुछ कमी करनी हो तो कर सकते हैं। जैसे कई बार हम अपने घर में वायरिंग करते हैं, पहले हम लोगों ने टारगेट नहीं किया कि हमको इन्वर्टर का भी कनेक्शन करना है और आदि चीज़ों का कनेक्शन करना है, वायरिंग कर दी और बाद में पता चला कि अब घर में और भी सिस्टम लगने वाले हैं, बैटरी इन्वर्टर सारी चीज़ों की फैसिलिटी जुड़ने वाली है और उसके लिए अब तार में पास करना है और कोई स्पेस नहीं है, अब नया कैसिंग फिर से डालिए, तो फिर वायरिंग करने की क्या मतलब रह गई। तो हमें इन सभी चीज़ों को पहले से ही गैस करके वायरिंग स्थापित करना पड़ता है और ये सब चीज़ मालिक के ऊपर नहीं कारीगर के ऊपर निर्भर करता है, मतलब एक विद्युतकार के ऊपर निर्भर करता है, एक इलेक्ट्रिशियन के ऊपर निर्भर करता है, एक ठेकेदार के ऊपर निर्भर करता है। और अगर एक ठेकेदार सही मायने में वायरिंग के स्थापना नियम को समझते हैं तो वो आपको बिल्कुल ही सभी चीज़ों पर खरा उतरेंगे और सब चीज़ आपको सटीक तरीके से समझा कर और वायरिंग की स्थापना करके देंगे। उम्मीद है कि आज आप सबके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं, जो टॉपिक लेकर आए हैं विद्युत वायरिंग की स्थापना और उसके कुछ नियम, उसको आप समझ पाए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।